दोस्तों, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कोरोना वायरस का खतरा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत पर मंडरा रहा है। भारत, चीन, इटली, ईरान, अमेरिका की तरह दिन भर दिन कोरोना की गिरफ्त में आ रहा है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर जनता कर्फ्यू तो आपने सक्सेसफुल बना दिया, लेकिन कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं बल्कि शुरू हुई है। देश की राजधानी दिल्ली समेत काफी सारे राज्यों में 31 मार्च तक लॉकडाउन अनाउंस किया गया है। वहीं सिचुएशन से निपटने के लिए देश के काफी शहरों में धारा 144 यानी कि कर्फ्यू भी लगाया गया है। क्या फर्क है लॉकडाउन और कर्फ्यू में? एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इनका अंतर समझें। ये जानना बस इसलिए जरूरी नहीं कि आप अपने आप को कोरोना से सुरक्षित रख सके और देश सेवा में सहयोग कर सके, बल्कि ये जानना इसलिए भी जरूरी है ताकि आप कोई कानून ना तोड़े और हो सकता है जानकारी के अभाव में आप कुछ ऐसा कर बैठे कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर ले या भारी जुर्माना लगा दे और आपकी मुसीबत और बढ़ जाए। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में थोड़ा सा योगदान आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके भी कर सकते हैं। अभी तक कोरोना की अवेयरनेस पर 45 वीडियोस बना चुकी हूं, जब भारत में एक भी केस नहीं आया था तब से, और आपके सहयोग के बिना ये वीडियोस बनाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपसे मोटिवेशन मिलता है। अब जानते हैं कि कर्फ्यू क्या होता है। कर्फ्यू आपने पहले भी सुना होगा जब कभी देश के किसी हिस्से में हिंसा बढ़ जाए, जैसा हाल ही में दिल्ली में हुए दंगों के दौरान हुआ था। इंडियन पिनल कोड के CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के तहत राइट, लूट, वॉयलेंट प्रोटेस्ट, स्टोन पेल्टिंग जैसी हिंसा को काबू करने के लिए लगाया जाता है। इसका सीधा मतलब ये होता है एक जगह पर तीन या तीन से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होती। इसके उल्लंघन पर जेल या फिर जुर्माना हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोरोना को स्प्रेड होने से बचाने के लिए 31 मार्च तक न्यू दिल्ली में धारा 144 लगाई हुई है। दिल्ली से मिलते राज्यों से बॉर्डर सील कर दी गई है। सभी नेशनल एंड इंटरनेशनल एयरलाइंस, ट्रेन्स, मेट्रो, पब्लिक प्राइवेट बसेस एंड व्हीकल्स, ओला उबर कैब्स, ऑटो रिक्शा सब बंद रहेंगी। अब देख लेते हैं कि लॉकडाउन क्या होता है। कोई भी आपातकालीन स्थिति जैसे अभी कोरोना वायरस के चलते बनी हुई है को हैंडल करने के लिए पूरे देश या फिर देश के किसी पर्टिकुलर हिस्से को लॉकडाउन किया जाता है। इसमें भी आपको घर पे ही रहने की हिदायत दी जाती है, हालांकि इसमें कर्फ्यू जैसी कड़ी सजा का प्रावधान नहीं होता। लेकिन अगर आप सड़कों पर दिखे तो पुलिस आपसे पूछताछ जरूर करेगी कि आपका घर से बाहर निकलने का कारण क्या है। इसमें आपको रोजमर्रा की जरूरी चीजें यानी कि एसेंशियल थिंग्स जैसे मेडिकल इमरजेंसी, बैंक और राशन पानी की जरूरत के लिए घर से बाहर निकलने की छूट मिलती है। आप इसको इस प्रकार से समझ लीजिए, ये प्रशासनिक दबाव से ज्यादा ये आपका नैतिक दबाव या फिर कर्तव्य होता है। अभी लॉकडाउन इसलिए किया जा रहा है ताकि लोग घरों से बाहर ना निकले और कोरोना वायरस एक से दूसरे में स्प्रेड ना हो सके। लॉकडाउन का सीधा सीधा हिंदी अनुवाद आप जनता कर्फ्यू समझ लीजिए। ताकि लोग घरों से ना निकले, सरकार जनता पे कंट्रोल बनाए रखे और लॉकडाउन एक इफेक्टिव तरीके से हो सके, उसके लिए सरकार आपको सर्टिफिकेट इशू कर सकती है या फिर आपके हाथ पे एक स्टैंप लगा सकती है जिससे आपकी पहचान हो सके। सिचुएशन की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए एक टाइम पर घर में से एक मेंबर या फिर दो या तीन दिनों में एक बार घर से बाहर निकलने की अनुमति दी जा सकती है। भारत में राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब ने पूरी तरह से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। वहीं महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, हरियाणा के कुछ बड़े शहरों को बंद कर दिया गया है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि केंद्र सरकार कोरोना से अपने देशवासियों को बचाने के लिए पूरे देश भर में लॉकडाउन की घोषणा कर सकती है। ऐसा ही लॉकडाउन अमेरिका में 9/11 के आतंकी हमले के बाद 3 दिनों तक देखा गया था। दोस्तों, आप जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनिए। देश को आपके सहयोग की जरूरत है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए आपको किसी बॉर्डर पे नहीं जाना, दुश्मनों के खिलाफ गोली नहीं चलानी, बस घर पे ही तो बैठना है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। और हाँ, प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल द आशिमा शो पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलो, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।